150 150 150। ये पहनेगा, ये देख ले एक बार। थोड़ा टाइट सी लग रही है मुझे। गरीबी नहीं बतानी साले, गरीबी ये काटना है। ये पोल्यूशन पोल्यूशन कम करते हैं हम। ये ले इससे कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। आज हम तीनों भाई जा रहे हैं घूमने, घूमने के जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैं तो बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ शॉपिंग करने। फाइव स्टार होटल पे, होटल हयात जो जनकपुरी में है, ठीक है, करीब नहीं है पुन, बहुत पैसा पुन में शायद। ये भी तो लगा था वहाँ पे सेल चल रही है। सेल चल रही है वहाँ पे यार, इसलिए जा रहे हैं, वरना यार हम कहाँ गरीब लोग जाएंगे इतने बड़े होटल पे। चलो कोई बात नहीं, खैर शॉपिंग करने तो जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ खरीदता कि नहीं खरीदता, कुछ पसंद आता कि नहीं आता, या कुछ बजट में आता कि नहीं आता। तू कुछ लेगा? मैं तो गरीब, मैं तो देखने जा रहा हूँ। देखने जा रहा है होटल? मैं तू तो कह रहा था मैं वो लूंगा, देखता हूँ कुछ पसंद आया बजट में तो लूंगा। यार ऐसा मत क्या यार, अब तीनों कुछ लेके नहीं आएंगे तो कैसा अच्छा लगेगा। ईशो तू नहीं दिखा, थोड़ा आगे आई हो, मतलब दिख तो रहा होगा। हाँ दूर से दिख रहा हूँ, मतलब वैसे दिख रहा है। समझ गया, तेरे पे चेहरे में इतनी लाइट नहीं पड़ रही होगी, लाइट खोलनी बेकार है भाई ऊपर। अरे उसी से पीछे शेड लगेगा। सनरूफ खोल दूँ? मैं खोल दूँ भाई? तू तो एयरबैग खोल देता, सनरूफ थोड़ा खोलता है भाई, एयरबैग खोल देता है, सनरूफ नहीं खोलता। ये इसको एक्सपीरियंस हो चुका है वैसे एयरबैग खोलने का। ये तो छोटी मोटी चीजें है यार, पर कोई बात नहीं, वैसे सीख तो गया ना गाड़ी, तो तब भी टेस्ट में फेल हो गया भाई। टेस्ट में मेरी गलती नहीं, जैसे कि मेरा बर्थडे था ना 30 जुलाई को आने वाला भाई, अगले महीने इसका, कल नहीं है परसों, तेरा परसों, परसों कल का व्लॉग, कल पार्टी, पार्टी हमारी कल है इसकी, पार्टी कल पार्टी है, तो कल जल्दी आइए अपने उससे, तो शायद हम कल भी व्लॉग बनाए, शायद मे भी। अभी तो हम जा रहे हैं हयात जो जनकपुरी में, ठीक है, कल होगा बर्थडे पार्टी, भाई की बर्थडे पार्टी है, ठीक है, तो पर इसको विश कर देना जो कल की मेरी व्लॉग आएगा तो उसमें विश कर देना, इस वाले व्लॉग में नहीं, जो कल बर्थडे का व्लॉग बनाएंगे एक दिन पहले बना देंगे हम इसके बर्थडे। बर्थडे 30 तारीख को है, बर्थडे 30 तारीख को रात को केक कट जाएगा। बर्थडे 30 का आपको व्लॉग भी 30 को ही मिलेगा? मे भी भाई, क्योंकि मैं थोड़ा हो जा रहा है ना, आलसी बना हो जा रहा है, इसलिए डल नहीं पाती टाइम टू टाइम वीडियो। खाली लोग भी आलसी हैं यार, खाली लोग आलसी नहीं है, सबसे गंदा लगता है मुझे एडिट करना, मेरा मन ही नहीं करता एडिट करने का यार। मेरे को हायर करना है 1000 रुपये। अबे तो चल तुझे हायर कर, वो हायर हायर भाई 1000 रुपये में। 1000 रुपये महीने के? नहीं एक वीडियो के 1000 रुपये मुझे, मेरी वीडियो में मिल रहे इतना तो मुझे नहीं आ रहे। चल ठीक है भाई, महीने का दे दियो, महीने का 1000 रुपये पैसे। फिर तुझे बेटा ये ध्यान रखिए, जब मुझे वीडियो चाहिए तो चाहिए हर दिन। हाँ 2 महीने तो खाली होगा, हाँ ये मत कह दियो कि मैं सोया नहीं था। 3 महीने तक रात को भी एडिट करूंगा ना, और बताओ मुझे फिर काम पक्का चाहिए मुझे वीडियो, देख ले। फिर ये वाली भी तू एडिट करेगा, ये मत कहियो कल मेरा बर्थडे वो पार्टी हो रही तो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे वीडियो चाहिए तो चाहिए। मेरे को आज भेज दे, मैं रात को पक्का कर देगा। 100% श्योर? यस भाई। फिर तो तू काम का बंदा निकल गया, अभी भी डालेगा लोग तो डालूंगा भाई, क्यों नहीं डालूंगा। 1000 रुपये में मुझे एक बंदा मिल रहा है, कट कर दूंगा 2 महीने के लिए भाई। 1000 रुपये 2000 रुपये मैं कहता रहा, जब तक मेरी कंडीशन अच्छी वैसी चल रही है तब तक तो मैं तुझे 1000 रुपये दे दूंगा महीने के। चल ठीक है कोई बात नहीं, और जैसे मेरा वीडियो यूट्यूब से पैसा, मोटा पैसा आने लग गया, पैसा तो आ रहा है, अगर मोटा पैसा आने लग गया ना वैसे इसको मैं लात मार दूंगा। चल फिर मैं अच्छा हायर करूंगा ना भाई, जैसे कोर्स वोर्स कर रखा हो इसको, कुछ ऐड चलाना है तो। हाँ ये मैं तो क्या करेगा, ये 2 वीडियो को जोड़ेगा, काटेगा, जोड़ेगा, डाल देगा, यही करेगा, तो और क्या करेगा भाई, इससे ज्यादा ही सीखा है मैंने। चल यार ठीक है, मैं दे दूंगा तुझे वैसे, क्योंकि ना मेरे पास 2 फोन है, तो मैं आईफोन वाला तुझे दे दूंगा, इसमें एडिट कर ले, गेम खेलेगा उसमें पबजी? नहीं मैं सब मेरे फोन में बड़े चल जाता है उससे। हाँ कोई बात नहीं, मैं सब चीज़ में लॉक लगा दूँ अपने, और इसको दे दूंगा आईफोन के लिए, इसमें एडिट कर, और मुझे हर दिन दे दियो तू भाई। लॉक लगा क्या करेगा, फेस आईडी में लगी हुई है मेरी भाई, वो हट भी सकती है ना। ठीक है भाई, कैसी बात कर रहा, वो भी हट सकती क्या? अभी ये केस आया था, कौन सा?
मुंबई में एक लड़के ने अपने दोस्त को ऐसे धोखे से नशे वशे में करके उसका वो नसबंदी करवा दी और उसकी नसबंदी नहीं उसका लिंग परिवर्तन करवा दिया। अरे मतलब वही बात हुई ना, नसबंदी और लिंग परिवर्तन पर वो नहीं पता तुझे? नहीं होता होगा भाई कुछ। अबे नसबंदी वो जो मैगी और की है फिर उनका स्पर्म काउंट नहीं होता कुछ भी, तो बच्चे नहीं कर सकते। लिंग परिवर्तन मतलब उनका, वो तो लड़का ही था ना, वो तो अभी वैसा ही था ना लड़का, धीमे धीमे बदलेगा ना, चेंज होगा ना। भाई गाइस इसका कहने का मतलब ये है कि अभी जो यूपी में घटना हुई है, एक लड़के ने अपने धोखे से अपने दोस्त को हॉस्पिटल वो ले जाया, ले गया और एनेस्थीसिया दिया जिससे वो बेहोश हो गया और उसका लिंग परिवर्तन करवा दिया और उसके बाद उसी को कह रहा है कि अब तो लड़की है तो मेरे साथ चल ले। भाई ये सीन वाला क्या रहा था यार, वो छोड़ो अभी हम घूमने का प्लान बना रहे थे, घूमने कहाँ चल सकते हैं ये बताओ। देहरादून में गर्मी आ रही है भाई, बारिश हो रही है, अब तो बारिश हो रही है ना भाई, ये भी पर उस साइड ठंडा है, पता नहीं कौन साइड देहरादून में ठंडा भाई। अबे बारिश क्या ही हो रही है, मैं भी ऋषिकेश आया वहाँ बहुत गंदी गर्मी बारिश के बाद। अरे तो भाई वो तो यार ऋषिकेश तो वो है, ऋषिकेश देहरादून से पता है, देहरादून ऋषिकेश हल्द्वानी ये सेम है, ये निचला हिस्सा है, प्लेन हिस्सा है ना, टाइप कह रही है बहुत गर्मी हो रही है बारिश के बाद, दिल्ली जैसा सेम। पर भाई देहरादून में वो वाला नहीं है, देहरादून में किसी टाइप भी पता नहीं चलता बारिश कब आ जाती है, ये बात तो है। देहरादून में ऐसे बारिश होते ठंड हो जाता है यार, पहाड़ में सब जगह ही है ना। अरे वो छोड़, पहले हम वहाँ जा रहे हैं, लैंसीडोन जा रहे हैं, लैंसीडोन का फ्री का पड़ रहा है हमें सब कुछ, मेरा फ्री का पड़ रहा है सब कुछ क्योंकि काम है इसको, कुछ चल सकता है। बैग वैग कौन उठाएगा, बैग वैग गरीबी नहीं बतानी, गरीबी नहीं बतानी साले, ये काटना है, ये पॉल्यूशन कम करते हैं, ये वाला हिस्सा कर पिए का जैसे काटना है, ठीक है भाई काटना है, ठीक है। आधे आधे पैसे बोल दी भाई, देखो खर्चा नहीं है क्योंकि, क्यों बता खर्चा क्यों नहीं तू बता, क्योंकि गाड़ी में सीएनजी है और वहाँ मौसी का घर है, फिर साला गरीबी बता रहा है। अबे गरीब नहीं है अपन, हम सीएनजी भरवाएंगे नहीं, पेट्रोल भरवाएंगे भाई। सीएनजी कितनी चल जाएगी, 200 किलोमीटर हम पेट्रोल भरवाएंगे, उसके बाद तो भाई 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर सीएनजी से पहुंच जाएगा, तो फिर 50 किलोमीटर पेट्रोल तू चला ले भाई। देखो प्लान बन रहा है वहां जाने का, वाह शाबाश, कैसी धांसू है साले, तूने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, ऋषिकेश के व्लॉग भी तो उसमें है, हां साले वीडियो देखता है नहीं तू, कैची धाम का व्लॉग, एक बार मैं चला के छोड़ देता हूं भाई, तो रैप तो मारूंगा ना कैची धाम, जब मैं गया तो हम गाड़ी में गए थे शायद सेम सारे के सारे, तो चलाई मैंने ही थी, चलाई हुई भाई मैंने चलाई थी, साला अपना भाई नहीं देख रहा है यार, घर पे ही वो है सांप पाल रखा हमने बे, भाई मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, मैं चला के छोड़ देता हूं, छड़ा के छड़ा, फिर मैं अपना काम कर लेता हूं, भाई हम तो सब देखते हैं खाने के टाइम पे, पापा ला रहे थे YouTube, ये ऐसा होना चाहिए, कह रहा सामू भाई से पूछो, सामू भाई सब देख लेते हैं, तू चला लेगा गाड़ी, मार चला लेगा साला, तो बहुत जल्द बनने वाला है अब तो लैंसडाउन का प्लान, क्योंकि मेरा मन कर ही था ट्रिप में जाने का, आजकल मौसम भी बढ़िया, और मौसम तो बढ़िया हो ही रहा है क्योंकि दिल्ली में बारिश हो रही है, तो वहाँ पे तो जन्नत होगी यार, बारिश होती तो मौसम साफ रहता, मिलते हैं गाइस आपको जल्दी, मिलेगा नया ब्लॉग लैंसडाउन का, और सबसे सुंदर हिल स्टेशन है यार, मतलब वैसे तो बहुत कुछ नहीं है वहाँ पर, पीसफुल है, जाओ मस्त शांति, अच्छा अच्छा व्यू। तो गाइस फाइनली इतना जाम वाम होने के बाद हम पहुँच ही गए जैसे तैसे, तो भाई एंट्री में पहुंच चुके हैं, इतना गंदे जाम है ना, मतलब सारी दिल्ली यहीं आ गई, पूरी दिल्ली है। इतना तगड़ा जाम है भाई यहाँ पे, नींद आ रही है हर जगह से, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भाई, देखो एक वो गाड़ी आ गई, ये गाड़ी खड़ी है, पीछे गाड़ियाँ हैं, गाड़ी गाड़ी भाई, भाई। कितने बजे पहुंचे, 6:16 हो गए, 4 बजे निकले थे, इतना तो रास्ता का इतना टाइम लग गया हमें यहाँ पे, चेकिंग हो रही है पूरी गाड़ियों की। तो गाइस फाइनली पार्किंग करके पहुंच चुके हैं, और जज साहब सॉरी वकील साहब कैसा लग रहा है आपको, भीड़ देखो भाई भीड़, अब एंट्री होगी, तो भाई एंट्री वेंट्री करके अंदर पहुंच चुके हैं, ये रहा भाई सब भीड़ देखो भाई, कितनी गंदी भीड़ है, अब देखें कितने कितने के हैं और हमें क्या क्या लेना है, एक तो सस्ते सस्ते दे रहे हैं, फिर दोबारा ऐसे आके दो लड़कियां हेलो वाइस कर रही थी, मैंने रोका पर रुके ही नहीं, भग गए
टॉम एंड जींस लीवाइस लीवाइस कितने के हैं प्राइस नहीं लेगा इसका प्राइस नहीं बढ़ जाए ये महंगा होगा लगता है हम संडे बाजार आ गए आज तो शुक्रवार है शुक्र बाजार तो नहीं है ये पता नहीं यार ऐसा लग नहीं रहा डाइट बना रही है तो फिटनेस चाहिए हाँ भाई ये तो नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है लग ही नहीं रहा है इसकी पूछ कि हम इतने बड़े होटल में आए हैं देखना भीड़ दूंगा इतनी भीड़ इतनी भीड़ होटल की तो ऐसे ही कर दी नाम तो होटल समझ में नहीं आ रहा है अब देखें लें क्या करें क्या लग रहा है तुझे कुछ ले पाएगा तू यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा तुझे यार सच में कुछ समझ नहीं आ रहा अरे सुन ये देख ये पहनेगा ये देख ले एक बार साइड से उठा है ले ले ये बढ़िया लग रहा है कैमरे में वो बोल सकते हैं नहीं वो कुछ नहीं बोलना भाई यहाँ पे गंदी चीज़ें नहीं बोलने वो वाली बात नहीं है यार सच में यार जाम है इतनी भीड़ है बस एक चीज़ पसंद आई है नॉर्मल सिंपल है कि भाई इसकी ट्राई कर लेते हैं एक बार अभी थी दूर आए हैं ट्राई करना तो बनता है भाई इससे अच्छी तो फर्स्ट कॉपी होती है हैं इससे अच्छी तो फर्स्ट कॉपी आ जाती है फर्स्ट कॉपी हाँ मतलब यार छोटी पहन के चल दे अब चले थोड़ा टाइट सी लग रही पानी मुझे एम साइज भी तो है यार ये या मैंने टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहनी थी इसलिए लग रही हूँ वैसे भी छोटी है भाई वो मजा नहीं आया यार सच में ऐसा लग रहा बाजार में आ गया भाई हालत देखो यार ये कहते हैं ना रील और रियल में बहुत फ़र्क होता है यही फ़र्क है भाई रील में तो ऐसा कुछ दिखा भी नहीं रखा था जैसे अभी यहाँ पे हो रहा है गाजीपुर मार्केट देखिए सेम ऐसी सिंपल ऐसा लग रहा है सारा रिजेक्टेड माल है सारा रिजेक्टेड माल है भाई रिजेक्टेड या वॉश करके आया ये सारा वॉश भी नहीं अगर ये ऐसी बाल तो भाई कंपनी भी नहीं बनाएगी ओरिजिनल में इससे तो फर्स्ट कॉपी मिल जाती है लोकल मार्केट में सोचा कि ब्रांडेड सस्ते में मिल रहा है तो पहन लेंगे पर मज़ा नहीं आया देखते कुछ मिल जाए हमारे टाइप का ढूंढते हैं वैसे एक ये भी सही लग रही है वैसे तो जैक एंड जोन्स ट्राई अब ये बड़ी लग रही है भाई कोट वोट के अंदर के लिए नॉर्मली पहन सकते हैं भाई 1000 rupees बड़ा लग रहा है देख रहा है इसको बोलना पड़ेगा नहीं मज़ा नहीं आया भाई मज़ा किस चीज़ में आ रहा है यहाँ पे सच में यार देखो ये चीज़ की है 150 सॉफ्ट है 150 अच्छा भाई इतना ही था वो एग्जिट है हाँ शायद सभी लोग वही जा रहे हैं ना या बिलिंग है वहाँ पे बिलिंग तो ये है बिलिंग ये बिलिंग तो यहाँ पे है वहाँ भी बिलेंगे पूछ तो रहे हो ये बढ़िया लग रहा है ये कितने का होगा भाई वो कपड़ों के साथ है मज़ा नहीं आया यार इतना 2 घंटे सफ़र करके आया पर भाई भीड़ कितनी है यार सारा माल बिक गया 150 ईशु कैसा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया भाई मज़ा आ गया चेतन कैसा एक्सपीरियंस बहुत जिंदा भाई रील और रियल लाइफ में पता चल गया आज बहुत अंतर होता है
मतलब जो चीज़ रील में दिखी थी ना वो तो था ही नहीं भाई, कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, सारा ऐसा लगा कि छटा हुआ माल है, मतलब डिफेक्टेड माल हो गया प्लस जो रिजेक्टेड माल हो गया, वैसे सारा सा भाई माल अभी भी जो उससे बढ़िया होता है। भीड़ अभी भी आने में लगी आई, इतनी भीड़, पब्लिक इतनी गंदी तरह भर सी हुई अंदर, और शॉपिंग कुछ नहीं कर रही, बस देख के बेकार है, रख दे रही है हमारी तरह। सच में इससे बड़ा तो जूडियो था, वेरी बैड एक्सपीरियंस भाई, गंदे से गंदा माल अंदर लग ही नहीं रहा। कबाब माल इससे बढ़िया होता यार, लग ही नहीं रहा था हम 5-star होटल पे। अरे कसम से भाई, ऐसे फ्लोर इतना गंदा भाई, ऐसा लग रहा मंडी मारे गए। बस एक ही चीज़ की कमी थी वहाँ पे, लोगों ने गुटका वुटका खा के नहीं सूख रखा था। हाँ वो वाली सेम था पूरा, वो वाली पब्लिक नहीं आई थी गुटका थूकने वाली, बाकी सेम था बिल्कुल ऐसी। ये फ़ोन नहीं छोड़ रहा तो पागल है क्या, क्या कर रहा है, स्नैप भेज रहा है। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं यार, बहुत एक्सपीरियंस बेकार था, तो आज के बाद कभी रील देख के तो आएंगे नहीं, क्या बोलें यार। चलो छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको भी कमेंट कर दो यार, आपको व्लॉग कैसा लगा, मतलब आना चाहिए नहीं आना चाहिए ऐसी जगहों में रील देख के। चलो भाई अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए जल्दी जल्दी में जाने सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय कर दें, बाय बाय कर दें। चलो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।